लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुल पेट बाजार रोड नागपुर। फर्जी ऑनलाइन गेमिंग ऐप तैयार कर कई निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गोंदिया के क्रिकेट बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोंटू के गोंदिया स्थित मकान पर छापेमारी के दौरान 58 करोड़ की ठगी की जानकारी सामने आने के बाद से सोंटू फरार था। वह टूरिस्ट वीजा पर दुबई चला गया था, जिसके बाद आज सोंटू जैन कोर्ट में पेश हुआ और उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। ऑनलाइन गेमिंग में जो फसवनुक हुई थी उसके बारे में जो ऑफेंस रजिस्टर्ड था उसमें आपको पहले ही बताया गया है, आरोपी के जो घर और बैंक लॉकर्स से जो सर्च की गई थी उसमें 32 करोड़ की गोल्ड, सिल्वर और कैश रिकवर की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी शुरुआत में फरार था, वो दुबई में था और उसके बाद उसको जब एड इंट्रीम प्रोटेक्शन मिली थी तो वो नागपुर शहर में आया था। कुछ दिन तक वो यहाँ पे हाजिरी पे था और हाजिरी के दरमियान उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार का सहकार्य नहीं किया। उसके बाद जब उसकी बेल रिजेक्ट हुई उसके पहले ही वो यहाँ से फरार हो चुका था और फरार होने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दाखिल की थी जो कि वहाँ पे उसको एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। उसके बाद उसको 7 दिन का समय दिया गया था, आज वो कोर्ट में हाजिर हुआ है। लीगल प्रोसीजर्स उसकी PCR लेने के लिए शुरू की गई है। इस प्रकरण में पहले से ही मैंने बताया था अत्यंत संवेदनशीलता के साथ एक विशेष तपास पथक इस प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो इस केस में अपवर्ड लिंकेजेस हैं, डाउनवर्ड लिंकेजेस हैं और साथ में विक्टिम के अलावा और किसकी किसकी इस प्रकार की फसवनुक की गई है, इस तीनों एंगल से तपास की जा रही है। जो भी इसमें इनको मदद करने वाले और कॉन्स्पिरेटर्स जो इस केस में हैं उनको भी निष्पन्न किया जा रहा है और इसके फरारी के काल में जिसने जिसने इसको मदद किया फरार होने में वो भी हमारे रडार पे हैं। कैश ट्रांजैक्शंस में जिस माध्यम से कैश की ट्रांजैक्शन हुई वो लोग भी निष्पन्न किए जा चुके हैं। जो टेनेंसी बैंक अकाउंट्स के माध्यम से जो ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र की गई थी वो लोगों तक भी पहुँचा जा रहा है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करने के लिए पुलिस दल पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन में इसमें और भी गति आएगी और आपको योग्य समय पे और जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र TV 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े नागपुर।